विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में 8 जनवरी से प्रारंभ हुई ब्रज 84 कोस यात्रा के द्वितीय दिन का शुभारंभ बरसाना से हुआ। सभी यात्री राधे राधे करते हुए ब्रज के दर्शन करते हुए बरसाना के लिए निकले। बरसाना पहुंचते ही सभी यात्रियों को बरसाना का महत्व बताया गया। द्वापर में जब मैं आऊंगा तब मेरे लीलाओं का दर्शन करना, इसलिए इसको ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। और जब ट्रैवल से ब्रजवान जी आए, कीर्ति जी आए, तो इस गांव का नाम पड़ा बरसाना। इसी के साथ सभी यात्रियों ने राधा रानी बरसाना मंदिर के दर्शन किए। राधे राधे की धुन में मग्न सभी यात्री एक साथ आनंद में होकर मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए बढ़े और राधा रानी के सुंदर दर्शन कर झूमते नाचते द्वितीय दिन के अगले पड़ाव यानी नंदगांव की ओर प्रस्थान किया। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। माना जाता है कि 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा पाया जा सकता है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी के भक्तों में ब्रज 84 कोस दर्शन का उत्साह बखूबी देखने को मिल रहा है। सभी भक्त राधे राधे के नाम का गुणगान करते हुए यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नंदगांव मंदिर के सुंदर दर्शन कराने। ये कृष्ण भक्तों के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। किंवदंती के अनुसार ये गांव भगवान कृष्ण के पिता नंदराय द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया था, इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण और गोप ग्वालों को लेकर नंदगांव आ गए थे। ब्रज 84 कोस की यात्रा करने आए सभी भक्तों ने नंदगांव के मुख्य मंदिर के खुले दर्शन किए एवं खुद को सौभाग्यशाली माना। इसी के साथ पान सरोवर से कुछ ही दूरी पर कोकिला वन में स्थित प्राचीन शनि मंदिर के भी दर्शन किए। मान्यता है कि शनिदेव जब यहाँ आए थे तो कृष्ण ने उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया था ताकि ब्रजवासियों को उनसे कोई कष्ट ना हो। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। शनिचरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। कोकिलावन के शनि मंदिर से नंदगांव का नजारा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि नंदराय मंदिर के ऊपर से आप ब्रज के हरे भरे भूभाग, इसके प्राकृतिक सौंदर्य, कोकिलावन के शनि मंदिर और बरसाना के राधा रानी के महल का दर्शन भी कर सकते हैं। द्वितीय दिन सभी भक्तों संग शनिदेव मंदिर के दर्शन करने पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी पधारे। उन्होंने सभी भक्तों के संग शनिदेव जी पर तेल अर्पण किया एवं कोकिला वन बिहारी लाल जी के प्रमुख दरबार पर साक्षांग प्रणाम भी किया। इसी तरह द्वितीय दिन सभी कृष्ण प्रेमियों ने बरसाना नंदगांव एवं कोकिला वन के सुंदर दर्शन किए। तृतीय दिन ब्रज 84 कोस की यात्रा चीरघाट राधा रानी एवं भांडी रवन के दर्शन के लिए प्रस्थान करेगी। आप सभी जुड़े रहिए VSSCT ऑनलाइन के साथ। राधे राधे।